देखिए टेक वीडियोस हर रोज, सब्सक्राइब करिए टेक टोस यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उबैद शेख आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही कमाल के मिथ्स, वो भी पबजी के ऊपर। आई होप कि वीडियो देख के आपको काफी मजा आएगा, और क्योंकि लोगों के बीच पबजी के लिए बहुत सारे मिथ्स थे, आज उन्हीं मिथ्स को मैं क्लियर कर देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मिथ है वो ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं जो पबजी है वो फ्री फायर का कॉपी है, क्योंकि जो फ्री फायर है वो पबजी से पहले रिलीज हुआ था, जो कि रिलीज हुआ था 20 नवंबर 2017 को, और पबजी मोबाइल रिलीज हुआ है 19 मार्च 2018। सो बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लोग समझते भी हैं कि जो फ्री फायर है वो पहले रिलीज हुआ है, इसलिए पबजी ने उसको कॉपी करके पबजी मोबाइल बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पबजी का एक और वर्जन है जिसका नाम है पबजी पीसी, जो कि रिलीज़ हो चुका था 27 मार्च 2017 में, जो कि रिलीज़ हुआ है फ्री फायर से भी पहले। सो जो पबजी मोबाइल है उसी का एक रीमेक वर्जन है मोबाइल के लिए, जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो चुका है, बहुत लोग इसको खेलना पसंद भी करते हैं। और अब आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि जो पबजी है वो फ्री फायर का कॉपी नहीं है, बल्कि एक रीमेक वर्जन है पबजी पीसी का मोबाइल्स के लिए, ताकि जो स्मार्टफोन यूज़र हैं वो भी पबजी का मज़ा ले सके और गेम खेल सके। बात करते हैं अपने दूसरे मिथ की, जो कि काफ़ी कॉमन है लोगों के बीच और आजकल ज़्यादा चर्चे में है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो पबजी है वो चाइनीज़ ऐप है, तो ये हम जान लेते हैं सच्चाई क्या है। जब भी आप पबजी ओपन करते होंगे तो आपको स्क्रीन पर सबसे पहले देखने को मिलता होगा टेंसेंट, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इसी ने पबजी को डेवलप किया है। लेकिन रुको, जब आप और अंदर जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा ब्लू होल कंपनी। तो ये जो ब्लू होल कंपनी है एक साउथ कोरियन कंपनी है, जो कि इस गेम की पब्लिशर है, मतलब इसने इसका पूरा आइडिया टेंसेंट गेम्स को दिया और टेंसेंट गेम ने बस इस गेम को डेवलप किया है। सो जो इसका मेन ओनर माना जाएगा वो है साउथ कोरियन कंपनी, जिसका नाम है ब्लू होल कंपनी। तो यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं कि टेंसेंट का इसमें क्या फायदा है। टेंसेंट का इसमें ये फायदा है कि जो भी आप इन गेम परचेज करते हो, जो भी चीज गेम के अंदर खरीदते हो, चाहे वो यूसी चाहे रॉयल पास, तो उसमें से थोड़ा परसेंट का शेयर जो है टेंसेंट को जाता है और बाकी का शेयर जाता है ब्लू होल कंपनी को। लेकिन एक बात और है कि जो पबजी है वो चाइना में बैन है, उसकी जगह पे टेंसेंट ने एक और गेम डेवलप किया जिसका नाम है गेम ऑफ पीस। तो आई होप कि आप उसके बारे में भी जानते होंगे, लेकिन आप ट्राई मत करना, क्योंकि वो एक टोटली चाइनीज ऐप है या गेम है, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो भी हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे मिथ के बारे में, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में इसको लेके काफ़ी डर भी बना हुआ है, जो कि पबजी लवर हैं, कि क्या पबजी भी इंडिया में बैन हो जाएगा। तो गाइस आपको बता दूं, जैसे कि मैंने सेकंड मिथ में आपको क्लियर कर दिया कि जो पबजी है वो टोटली एक चाइनीज़ ऐप नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो इस ऐप को ना बैन करे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो भी सकता है कि ये गेम बैन हो जाए आगे चल के, अगर इस गेम से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों के बीच में, तो हो सकता है ये गेम भी बैन हो जाए बाकी एप्लीकेशंस की तरह। ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा ऐप बैन होगा और कौन सा ऐप चलेगा इंडिया में। जैसे कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप था और वो बैन हो गया, जो कि काफ़ी वायरल था लोगों के बीच में और काफ़ी पॉपुलर था, तब भी वो बैन हो गया। और जो पबजी है वो हाफ चाइनीज़ है और हाफ साउथ कोरियन एप्लीकेशन है। सो इट्स डिपेंड अपॉन अवर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल डिसाइड किस गेम को बैन करना है या नहीं। सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ मिथ के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे पेरेंट्स और गार्जियन के बीच में, जिनका मानना ये है कि जो पबजी है हम अगर ज़्यादा खेलेंगे तो उसका जो असर है हमारे मेंटल हेल्थ पे होगा, और वो हमें मेंटली डिसऑर्डर भी कर सकता है अगर हम इस गेम को ज़्यादा खेलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि गाइज जो सच्चाई है वो सच्चाई होती ही है, क्योंकि गाइस अगर आप दिन भर किसी चीज़ में लगे रहोगे तो उसका कहीं ना कहीं असर आपके दिमाग पे भी होता है। अगर आप दिन भर पबजी खेलोगे तो जाहिर सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। आप वॉलेंट एक्ट में ज़्यादा पसंद करोगे इन्वॉल्व होना, लेकिन एक बात है कि पबजी में आपको नोटिफिकेशन भी आता है, अगर आप दिन भर गेम खेल रहे हो तो आपको हर 2 घंटे पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि 2 घंटे से लगातार पबजी खेल रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है,
जिससे कुछ लोग रेस्ट भी करते हैं और कुछ लोग लगे ही रह जाते हैं जो कि पबजी लवर। इसका वाइस अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हो थोड़ा कम कर दो, खेलो, ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन खेलो, लेकिन एक लिमिट पे रह के खेलो ताकि सब कुछ चलेगा। इस चलो वैसे हम बात कर लेते अपने फिफ्थ एंड लास्ट मिथ के बारे में, जो कि हमारे पेरेंट्स के बीच और हमारे गार्जियन के बीच में ही है गाइज। उनका क्या मानना है कि जब वो बुला रहे तो हम अपने गेम को पॉज करके उनके पास आके उनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन गाइज वो पुराने ज़माने वाला गेम नहीं है जिससे हम पॉज कर दे। गाइज ऑनलाइन गेम है, यहाँ पे सारे बंदे ऑनलाइन खेल रहे होते हो। अगर हम गेम को रोक के कहीं चले जाएंगे तो वापस आके अगर हम देखेंगे तो हम टपक चुके होंगे। सो गाइज ये मिथ भी बहुत कॉमन है लोगों के बीच में कि जो पबजी है उसे हम पॉज कर सकते हैं। गाइज हम पबजी को पॉज नहीं कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी पबजी से रिलेटेड, और मिथ्स भी क्लियर हो गए होंगे जो पबजी के थे। सो गाइज इस तरह की अगर वीडियो देखनी तो नीचे कमेंट करके बता देना, तो मैं और भी तरह तरह के एप्लीकेशंस और चीज़ों के ऊपर मिथ्स कलेक्ट करके उसको बस्ट करूंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते इस तरह के अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।